स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। और उस वक्त अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आपको सुनाते हैं। कहना चाहते हैं कि ऐसे धोखेबाजों को आपने पहचान लिया और इस बार आप जो नारा दे रहे हैं आरक्षण नहीं है वोट नहीं, तो ये नारा और बुलंद कीजिए। सर अखिलेश जी सर, जिस प्रकार से आपने कहा कि सरकार ने अलायंस किया एजेंसी से इलेक्शन को लेकर, तो सर उसका कैसे आप उसको फेस करेंगे? सर छपे आए दिन चल रहे हैं, आपने कहा कि अलायंस है, एजेंसीज अलायंस कर रही हैं इलेक्शन में, आप किन से अलायंस करेंगे सर? ये छापे और बढ़ते जाएंगे, इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा कि अगर उनके कोड ऑफ कंडक्ट में आता हो तो ये छापे चुनाव के बाद मारे जाए। जितने छापे मारने चुनाव के बाद मारे जाएंगे, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसका मुकाबला कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। आज उन्हें यह बताना चाहिए कानपुर में कि इतने बड़े पैमाने पर रुपया मिला है तो नोटबंदी फेल हुई है कि नहीं हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ये बताए जो बुलडोजर लेकर घूमती है लखीमपुर में, जिस तरीके से किसानों को कुचला गया था, उनकी जीप से जान ले ली गई थी, क्या वो लोग जेल जाएंगे क्या नहीं जाएंगे, क्या उन लोगों को सजा मिलेगी क्या नहीं मिलेगी? और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ये भी बताए कि चुनाव ऐसा डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी चुनाव से कि जो अधिकारी दो दिन बाद रिटायर होने वाला था, उस अधिकारी को चीफ सेक्रेटरी बना दिया लखनऊ का, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री सोते रहे। जो चीफ सेक्रेटरी बने हैं जिन्हें दो दिन बाद रिटायर होना था, एक साल का एक्सटेंशन हुआ, बाबा मुख्यमंत्री सो रहे थे। आप लड़ाई को क्यों बदलना चाहते हो? ये छापा इसलिए पड़ रहा है कि झगड़ा चल रहा है दिल्ली और लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। याद कीजिए, एक अधिकारी को पहले रिटायर कर दिया गया दो साल पहले, और ये भरोसा दिलाया गया कि आप लखनऊ जाओगे तो उप मुख्यमंत्री बन जाओगे। वो भागते रहे, दौड़ते रहे, एक कमरा मिला, दूसरा बंगला मिला, भटकते रहे, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, उन्हें कहीं कूड़ेदान में फेंक दिया गया। और अब दिल्ली वालों का मौका था, पहले दिल्ली वालों ने पैदल पैदल चलाया, फिर उनकी फोटो खिंचवाई दूसरी, और फिर दिल्ली वालों ने जो अधिकारी रिटायर होने वाला था दो दिन बाद उसका एक्सटेंशन दे दिया, और एक्सटेंशन दे करके उसे चीफ सेक्रेटरी बना दिया। बताओ ये खबर क्यों नहीं है? इत्र के छापे से बड़ी खबर है कि जो अधिकारी दो दिन पहले रिटायर हो रहा था उसको एक साल के एक्सटेंशन देकर के यूपी का चीफ सेक्रेटरी, और किस लिए? क्योंकि यूपी में चुनाव है। ये घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि वो हर सेटिंग कर रही है, हर जुगाड़ कर रही है। अभी आपने जुगाड़ वाले रथ नहीं देखे उनके? अभी जुगाड़ वाले रथ जो थे इतने तो जो भीड़ आती है उतनी तो चौमीन के ठेले में भीड़ आ जाती जितनी इनके रथ यात्रा में नहीं आ पा रही थी। आप कहीं चौमीन का ठेला लगा हो वहां ज्यादा लोग दिखाई दे होंगे आपको, इनकी यात्रा में नहीं दिखाई दे रहे। और एक समाजवादी रथ देखो छह रथों में भारी था, इसीलिए छापा पड़ा। अखिलेश जी कन्नौज में आकर के आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? वैसे छापे का नहीं पता था मुझे कि यहाँ भी छापा पड़ जाता, और मैं इस कोशिश में था कि मैं जाता पुष्पराज जैन जी के पास, उनसे मिलता और समाजवादी परफ्यूम लेकर के आता और आप लोगों को बांटता। अब बताओ मैं पुष्पराज जैन जी के यहाँ जाऊँगा कैसे? जिस इत्र को बदनाम किया इन्होंने, मेरा केवल ये मकसद था कि 2021 बहुत खराब गुजरा। 2021 में लोगों ने देखा है कि किस तरीके से दवाई के लिए, किस तरीके से बिस्तर के लिए, किस तरीके से लोग ऑक्सीजन के बिना मिले जान चली गई, बहुत से परिवारों के सदस्यों की जान बच जाती अगर समय पर दवाई, समय पर अस्पताल और समय पर ऑक्सीजन मिल जाता। 2021 में लोगों ने देखा है कि किस तरीके से दवाई के लिए, किस तरीके से बिस्तर के लिए, किस तरीके से लोग ऑक्सीजन के बिना मिले जान चली गई, बहुत से परिवारों के सदस्यों की जान बच जाती
अगर समय पर दवाई, समय पर अस्पताल और समय पर ऑक्सीजन मिल जाती, ये मेडिकल कॉलेज ना होता तो शायद बहुत लोगों की जान चली जाती। लेकिन ये भी मेडिकल कॉलेज को पर्याप्त साधन नहीं दिए। और मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी के विधायक के भाई डिप्रेशन में आकर के, वो बताओ, छत से कूद करके उन्होंने जान दे दी थी कोविड में। कौन भूल जाएगा यहाँ? न जाने कितने लोगों की जान गई है कन्नौज में, जिनके पास दवाई नहीं थी, इलाज नहीं था, जिनकी जिम्मेदारी थी इलाज, दवाई, बिस्तर देना, वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं, विपक्ष के लोग कहां थे? और सोचिए यही हमारा यहाँ पर है घाट जो समाजवादियों ने बनवाया था, कन्नौज के लोग जानते होंगे, यहाँ के पत्रकार साथी ने तस्वीरें देखी होंगी, खींची होंगी, रखे होंगे, कितने लोगों की जान गई है, कितने दाह संस्कार इकट्ठे होते थे इसी घाट पर, यही कन्नौज का मेहंदी घाट, न जाने कितने लोगों की यहाँ पर दाह संस्कार हुआ है, लकड़ी नहीं पूजी यहाँ पर, सोचिए। हर दिन अखबार में निकलता था, हर दिन में जानकारी हासिल करता था कि क्या मदद करें, कैसे पहुंचाएं, क्या ना कर सकें, लेकिन लोगों के लिए, चिता के लिए ये लकड़ी नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वजह से गरीब लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को गंगा में बहा दिया। कितनी लाशें बही हैं, चील कौए खाते हमने देखी लाशें। और केवल कन्नौज नहीं, उन्नाव, इलाहाबाद, वाराणसी, आपका गाजीपुर और बक्सर तक यूपी की लाशें पहुंची हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने फेस करेगी इन चीजों को? कभी भारतीय जनता पार्टी लाशों की बात नहीं कर रही है। बताओ एक भी नेता ने अगर लाशों को लेकर बात की हो, क्या कब्रिस्तान में या शमशान में जगह नहीं थी लोगों की? छापा पड़ा है तो क्योंकि पुष्पराज जैन ही समाजवादी इत्र बनाने वाले हैं। देखिए अगर हमारे साथियों ने होशियार होंगे तो कर ही ले आए होंगे, और अगर रुक गया छापे में, अगर कोई जाने तो देगा नहीं। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि अगर छापे की तरफ जाओ तो उन अधिकारियों से कहना कि तुम भी ले लो इत्र और हमें भी दे दो इत्र। अखिलेश जी, अभी आपने नए चीफ सेक्रेटरी के विषय में कहा, इससे पहले एक शर्मा जी भी आए, आपने भी बताया, हम जानना चाहते हैं कि उनके प्रशासनिक दुरुपयोग की बात कर रहे हैं या उनके मिश्रा होने का कोई भय है? ये जो डबल इंजन के सरकार है, ये इंजन एक दूसरे में टकरा रहे हैं। जो आपका सवाल है उसका जवाब यही है कि जो डबल इंजन की सरकार है, इससे उत्तर प्रदेश को कोई लाभ नहीं पहुंचाया, और अगर दिल्ली से मदद होती तो आज उत्तर प्रदेश के किसानों को, उत्तर प्रदेश के गरीबों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। आज बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का बढ़ गया होता तो यहाँ सस्ती बिजली होती। ये डबल इंजन की सरकार आपस में एक दूसरे को इंजन टक्कर मार रहा है। अगर उन्होंने मंत्री नहीं बनने दिया तो उन्होंने उनको भी नहीं जानने दिया कि कब चीफ सेक्रेटरी उनका हट गया। एक सवाल, सही जवाब जो जाने वाले चीफ सेक्रेटरी वो ज्यादा अच्छा दे सकते हैं। अगर आपके थोड़े बहुत संबंध हो तो उनसे जरूर फोन मिला करके पूछना कि कैसा समय गुजर रहा है अब आपका। और इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो अब सब कंट्रोल दिल्ली चला जाएगा, अब हमारे बाबा मुखर्जी पे कोई कंट्रोल नहीं बचेगा। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा पूरा कंट्रोल दिल्ली चला जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता से मैं कहूंगा कि एक योग्य सरकार चुने, अनुपयोगी को हटाएं और उत्तर प्रदेश को पुनः विकास और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएगा।